फाइंड द रेडिकल फॉर्म एंड एवेल्युएट द रिजल्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है, उससे हमें रेडिकल फॉर्म में जाना है और उसके बाद उसका एवेल्युएट करना है, उसकी रिजल्ट क्योंकि वैल्यू दे निकालनी है। तो 25 की पावर लिखी है 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। ठीक, इसको लिखा जा सकता है 25 का स्क्वायर रूट को 5 × 25 इसके बराबर था 5 × 5 के, तो ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/3 अब इसको मजीद इसको लिखने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले तो उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसकी। इसी तरह लिख लेंगे 64 की पावर 1/3 उन्हें क्या रेडिकल फॉर्म में लिखें पहले। सबसे पहले क्या आ गई रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म इसकी बन जाएगी 64 और यू रेडिकल फॉर्म में लिख लिया हमने। रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद वो कहता है इसको एवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 64 किसके बराबर होता है, 64 होगा 4 × 4 होता है 16। अगर 64 को लिखा जाए इस तरह करके 64 तो ये बनेगा 4 × 1 = 4 एंड 2 रिमेनिंग एंड 4 × 6 = 24 फिर से 4 किया जाए तो 4 × 4 = 16 एंड 4 × 1 = 4 4 × 4 × 4 तो इसको लिखा जा सकता है 4 × 4 × 4 क्यूब और 4 × 4 × 4 यह क्या बन जाएगा क्यूब और 4 की पावर क्यूब। इसको मजीद अगर सवाल खोला जाए तो यह लिखा जा सकता है 4 क्यूब और 1/3 मजीद इसको दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए 4 × 3 × 1/3 ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 64 की पावर 1/3 किसके बराबर आ गई 4 के। इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं अगर करना चाहे तो 5 का स्क्वायर रूट इसको मजीद लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर की पावर 1/2 और इसको भी इस तरह 5 × 2 × 1/2 एंड 5 × 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ गया 25 की पावर 1/2 या 25 की पावर 1/2 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट रेडिकल 25 का 5 के बराबर आ गया। तो ये दो हल हो चुके हैं, ये जवाब आ गया। इसी तरह अब हम इसके नेक्स्ट टू पार्ट करेंगे 81 की पावर 1/4 81 की पावर 1/4 एंड 1/2 तो कैलकुलेटर से भी इसका बड़ा इजीली जवाब आ जाता है। क्या आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक बार अच्छा कर लें ज़्यादा चलता जाता है, सारे सवालों के जवाब उसमें से इजीली निकल आते हैं। मिस्टेक पता लगी थी एग्जाम सेंटर में बैठे हुए, आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। 1/4 ये क्या है 81 की पावर 1/4 इसको अगर हमें लिखो रेडिकल फॉर्म में 81 की पावर 1/4 रेडिकल फॉर्म में किसके बराबर होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किसमें ज़्यादा रेडिकल फॉर्म में, तो 81 की पावर आ जाएगी 4। अब कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर FX 991 ES में ऑप्शन होता है शिफ्ट, इसके रूट वाला बटन दबाएंगे तो ये इस तरह आ जाता है। इसके ऊपर लिखा होता है क्यूब एंड इधर बॉक्स बना होता है। अगर आप इसको बैक साइड वाला बटन दबाएं तो ये क्यूब के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद डिलीट का बटन दबाएं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इधर भी बॉक्स आ जाता है एंड स्क्वायर रूट के अंदर भी बॉक्स आ जाता है। तो आप सिंपल स्क्वायर रूट से ये वाले बॉक्स की जगह पर लिख दें 4, फिर प्रेस कर दें 4 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, और ये अंदर वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जाके लिख दें 81 तो ये डायरेक्ट हमारे पास जवाब आ गया। इसके अंदर 81 लिख दें तो उसका जवाब आ जाता है क्यूब। हमें पता लग गया कि 3 की पावर 4 किसके बराबर है 4 के, तो हम उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको इस तरह लिख लें कि 4 हमें एक एलसीएम निकल आया। अगर हम इसे सॉल्व भी करना चाहें तो 3 का टेबल बना लें और इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
देखे ना ये इस तरह मैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से मैंने निकाला है, मुझे पता लगा 3 की पावर 4 किसके बराबर है, 81 के। अब मैंने इसको आगे साइड पर अगर कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए, रफ अमल करने के लिए भी, तो 3 3 से किया जाए इसको, तो ये बन जाएगा 3 2 6 और 7 21 बचता है ना, 6 7 8 21, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा, तो ये 3 3 3 3 क्या बन गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। क्योंकि फौरन हमारे जहन में नहीं आ रहा है 81 क्या है, और इतना कल टेबल याद करते रहे और फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 4। इसको मजीद लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 × 1/4, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 × 1/4, तो ये बन जाएगा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जवाब आ जाएगा 3, जो कैलकुलेटर ने एक स्टेप में दे दिया था। इस तरह करके देखें, 4 की पावर करना इस तरह शिफ्ट, एंड ये एक्सपोनेंट का बटन दबाएंगे ये आ जाएगा, ये बैक साइड का बटन दबाएंगे इसे 3 कर देंगे, ये दोनों इस तरह की इस बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर 4 लिख लें, फिर ये और बटन दबाएंगे तो 81 अंदर लिख लें, तो ये आ जाएगा 3। और इस तरह बाकी सवाल भी जो से हैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा इसका जवाब आ गया। अब मैं करूँगा इसका फोर्थ पार्ट, इसमें आपको ट्रिक बता देती हूँ, आप इसे भी कैलकुलेटर से पहले कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करके फोर सारे पार्ट्स को साइड का अफ हमारे लिख लें पीछे बुक के एंड पर, और उसके बाद इसको हल करते हैं जो आंसर शीट मिलेगी आपको। तो 4 आ जाएगा 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, तो 27 की पावर 1/3 किसके बराबर आएगी, 27 की पावर 1/3, 3 का क्यूब जो सा होता है वो 27 की पावर 1, 27 27 है ना, इसको 3 के टेबल पर डिवाइड करें 3 बार, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या बनता है, 3 3 3 ये बन जाता है 1, इसको सॉरी रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या 27 की पावर 3, इसके बाद लिखना है इसको 27 पावर 3 थी, तो 27 की जगह पे लिख देंगे 3 की पावर 27, किसके बराबर है 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 27, तो 3 3 × 3 × 3 के बराबर है 27, तो उसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अगर आप इसे एक और स्टेप भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें इस तरह करके कि 3 27 किसके बराबर है 3 × 3 × 3 के, ये तो रफ अमल हो गया ना, रफ वर्क, ठीक है। तो ये साइड पे आप इसका एंड कर रहे हैं 3 3 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 3, इसको मजीद लिखा जा सकता है 3 3 की पावर 1/3, 3 × 1 सॉरी 3 3 × 1/3, 3 और 3 काट जाए तो आप इसमें क्या आ जाएगा 3, जो कि हमारा जवाब होगा, क्या आ गया रेडिकल इसका, रेडिकल से वैल्यूएट, पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में गए, रेडिकल फॉर्म में था, उसके बाद उसको वैल्यूएट किया और वैल्यूएट करके क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3 हमारा जवाब आ गया। इधर ये लिख देंगे कि 27 की होल पावर 1/3। अब इस किसी का आपको फिफ्थ पार्ट कहेंगे हल, फिफ्थ पार्ट में है 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3, ये आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में जाना है हमने, तो इस क्वेश्चन नंबर है 5 5 27 की पावर 2/3, इसको किस तरह लिखेंगे, 27 की पावर 2 / 3 किसके बराबर आएगा, इजी सा तरीका, 1/3 क्या तरह आता है अंडर रूट के बाद, इसको यूँ लिखा जा सकता है 27 की पावर 2 × 1/3, तो ये इस तरह ये डालते हैं पहले 27 की पावर 2 × 1/3, तो इस तरह हम कर चुके हैं पहले, इस तरह की शक्ल होती थी, हम क्या लिखते थे 27 की पावर 2, रिवर्स स्टेप करें तो ये क्या आ जाएगा बाहर 3, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेडिकल में।
और 27 का स्क्वायर, और होल बार क्या है, क्यूब है, तो 27 किसके बराबर आएगा, हमने इसे वैल्यूएट करना है, तो 27 किसका बनता है, अगर मैं डेड करूँ कैलकुलेटर से भी हाल हो जाता है, उसी तरह शिफ्ट किया ऊपर, अगर 3 आ रहा है तो उसका हम रिमूव करके, 3 का 3 आज इट इज 3 ही चाहिए हमें, और रिक्वायर क्या है 27, और 27 के साथ क्या है स्क्वेयर, इस साथ एक्स के, इसके साथ एक बटन है एक्स का स्क्वेयर, वो दबाएंगे तो स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये आएगा 9, इसका जवाब आएगा 9, लेकिन हम तो पहले इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको 3 का स्क्वेयर बना लेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है 27, अभी हम बैक साइड पे कर चुके हैं, इसे बैक पिछले सवाल भी किया था, 27 3 9 जा 3 3 जा तो 3 1 जा, ये क्या बनता है 27, 3 का क्यूब, तो लिखा जा सकता है 3 27, 27 किसके बराबर आएगा 3 का क्यूब, और बाहर क्या है स्क्वेयर, ये अब आपस में 1 और 3 नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, तो इसको ये लिखा जा सकता है, इसके जरिए लिखा हूँ ला के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये बन जाएगा 3, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, 6, तो अब इसे मजीद आगे सवाल करने के लिए ओपन किया जा सकता है 3 इंटू 6, और ये क्या बन जाएगा 1/3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चलेंगे रेडिकल से दोबारा से 3 3 इंटू 6 इंटू 1/3 3 3 1 3 3 2 6, अब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 9 के, तो ये 27 इंटू 2/3 किसके बराबर आ गया 9 के। अच्छा अब इसका आगे मजीद सॉल्व करेंगे, 5 6 6 पार्ट 9 का असला आ गया, इसका 6 पार्ट में है 8 की पावर 1 -1/3, 6 पार्ट में 8 की पावर -1/3, 8 की पावर -1/3, 8 की पावर -1/3 किसके बराबर है, सॉरी 8 की पावर -1/3, मैंने कहा था नीचे लिखा जा सकता है इसको, तो 1/8 की पावर नीचे आगे क्या हो जाएगा +1/3, 8 की पावर +1/3। अब 8 अगर से मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूं, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो इसे लिखा जा सकता है 8, और बाहर क्या आ गया क्यूब, अब 8 को हमने ब्रेक करना है इस तरह के क्यूब बन जाए, खत्म हो जाए, या इसको मजीद छोटा करना है, सिंपलीफाई करना है, एवेल्युएट करना है, तो 8 को लिखा जा सकता है, 8 किस पर डिवाइड होता है 2 पर, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगी मेथड जो आपको बताया था, ये बन जाएगा 2 का क्यूब क्या है 8, आपको जबानी भी याद होना चाहिए किस तरह बनेगा, 8 2 से डिवाइड करते जाए, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 किसके बराबर आ जाए 2 इंटू 2 8 किसके बराबर आ गया 2 का क्यूब, ये तो हो गया रफ़ अमल। अब इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा 1/3 और 2 की पावर क्यूब, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2, सॉरी 1/3, इसको मजीद आगे फौरन करो, स्टेप लेंथ का रख देते हैं, इसको भी लेंथ का रखते हैं, 1/2 की पावर 1/3, इसके बाद इसको लिखा जा सकता है 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, अब ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 1/2, तो 1/2 ही आंसर है, आंसर आ गया हमारा, इसको अब 2 की पावर -1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिंपल जवाब बस वैल्यूएट करना है, तो 8 की पावर -1/3 किसके बराबर आ गई 1/2 के। अच्छा अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, इसका 6 हो गया, अब 7 करना है, 7 और 8 दो रिमेनिंग है, अब 7 इसका पार्ट है 1000 की पावर 2/3, तो 1000 की पावर 2/3, 1000 की पावर 2/3 इसको लिखा जा सकता है 1000 की पावर 2/3, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 1000 की पावर 2/3 किसके बराबर है, 1000
के पावर 2/3, अगर मैं इसे रेडिकल में लिखूं तो ये बन जाएगा 1000, ठीक, और पावर क्या आ जाएगी 1000 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये रेडिकल सिस्टम में किसके बराबर आ जाएगा, रेडिकल के में 1000 की पावर 2 और होल पावर बाहर, ये भी यहाँ से खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब 1/3, 1000 की पावर स्क्वायर के ऊपर बिल्कुल कर देते हैं, 1000 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 1/3। अब इसको सुजीत सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, रेडिकल फॉर्मूले तो कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल के बाद करेंगे 1000 किसके बराबर होता है, 1000 क्यूब है बाकी तो इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, इधर क्या है क्यूब, तो 1000 किस में क्यूब में क्या बनेगा, इसको हम ना एज इट इज रहने देंगे, जो ये पावर होती है ना उसमें हम लिहाज से कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 होगा 10 के लिहाज से, 10 की पावर क्यूब होती है तो क्या बनता है 1000, 10 ये क्या बन गया 100, फिर 10 फिर क्या बन गया 10 और फिर 10 क्या आ गया 1, तो 10 की पावर क्यूब क्या हो गया 1000, तो इधर लिख सकता हूँ मैं 3 × 10, सॉरी 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 10 3 × 2 / 1/3, एक्सपेंसिव फॉर्म में दोबारा से लेंगे मल्टीप्लाई करके ये बन गया 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, आप इसे लेंथ भी दे सकते हैं एक ब्रैकेट लिख कर जिस तरह आप पिछले सालों में करते रहे हैं, लेकिन फिर जवाब क्या आएगा 100, और इधर ये लिख लेंगे 10 की पावर 1/1000 की पावर। अब लास्ट है 64 की पावर 1/2, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, सिंपल 1/2 हो तो मतलब स्क्वायर रूट ले रहे 64 का तो 8 आ जाएगा, लेकिन अगर इस मेथड के तहत भी चलें उसे भी कर लेते हैं, लास्ट 8 8 है 64, 64 की पावर 1/2 64 की पावर 1/2 किसके बराबर है, आई विल टेल यू, 64 की पावर 1/2 बराबर है 64 क्या है 8 की पावर, या इसको इस तरह से पहले रेडिकल में लिख लेंगे, रेडिकल फंक्शन में लिखा हुआ है, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, स्क्वेयर इधर स्क्वेयर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्क्वेयर रूट ही 1/2 के बराबर होता है। उसके बाद 64 किसके बराबर है, 64 का स्क्वेयर इधर बाहर क्या है 2 है, तो 2 में कन्वर्ट करना है, तो 8 8 था 8 × 8 किसके बराबर होता है 64 के, तो इसको लिख सकते हैं 8² किसके बराबर आ गया 64 के, तो मजीद से खोल देंगे दोबारा से, तो 8² × 1/2 आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 8 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 8, जो कि रिक्वायर आंसर है हमारा, क्या 64 को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद वैल्यू एड कर दिया, उसकी वैल्यू निकाल दी, तो ये क्या आ गया आंसर।